जेएस हिंदू पीजी कॉलेज के शिक्षकों के खिलाफ किया छात्र छात्राओं ने प्रदर्शन। आपको बता दें कि जनपद अमरोहा के जेएस हिंदू पीजी कॉलेज के छात्र छात्राओं ने तानाशाही रवैये से परेशान होकर जमकर प्रदर्शन किया है, जिसमें उनका आरोप है कि वह कॉलेज में जाना चाहते थे लेकिन धक्के मारकर कुछ कर्मचारियों ने बाहर निकाल दिया है। छात्रों का आरोप है कि कॉलेज के ही प्रधानाचार्य व छात्र छात्राओं के साथ बदसलूकी की है। इस दौरान तानाशाही रवैये से तंग आकर छात्र छात्राओं ने कॉलेज के प्रधानाचार्य के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया है। छात्र छात्राओं का आरोप है कि एक दिन पहले कॉलेज के छात्र छात्राओं को इतना भी नहीं बताया गया है कि बृहस्पतिवार को कॉलेज का अवकाश रहेगा, जिसको लेकर के अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्र छात्राओं ने कॉलेज के बाहर प्रधानाचार्य के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया है। देखिए इस वीडियो में सुबह अपने घर से कॉलेज के लिए आ गए। कॉलेज में जब वो यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर 20 किलोमीटर 50 किलोमीटर ट्रेन से भी छात्र छात्र आते हैं, लेकिन इन्होंने कॉलेज वालों ने नहीं तो कोई नोटिस लगाया। कल आज सुबह जब आए तो कॉलेज से धक्का मार के बाहर निकल गया। छात्रों को कह दिया छुट्टी है। अरे ऐसा कैसे छुट्टी है, जब विद्यार्थी परिषद कल की जो घटना है, मैं कल खुद स्वयं आया। इनके जो मतलब एक शिक्षक है, उन्होंने मेरे साथ बदतमीजी करी। क्या नाम है उनका? नाम उनका नहीं पता, बहुत सारे इसमें 500 प्रोफेसर होंगे, नाम सबका याद करना असंभव होता है। हमने प्रिंसिपल सर से गई, वो हमारी सुनने को तैयार नहीं। हमने एक ज्ञापन चार महीने पहले दिया, उस ज्ञापन की एक मांग पूरी नहीं करी। आज हम ज्ञापन दे रहे हैं तो पुलिस प्रशासन बुला लिया हमें दबाने के लिए। अरे हमने कोई क्राइम कर दिया जो हमें पकड़ लेंगे, ले जाएं पकड़ के। हमने कोई क्राइम नहीं करा है, छात्रों की लड़ाई कर रहा हूँ मैं। 500 रुपये अवैध, एक कॉलेज में 20 रुपये अवैध दिए जाते हैं। बी ए फर्स्ट ईयर वालों से 500 रुपए ले रहे हैं और ये कह रहे हैं कि यूनिवर्सिटी का आदेश है। हमने कहा यूनिवर्सिटी का आदेश है, कोई नोटिस है हमें दिखा दीजिए। बच्चा अपने घर पर दिखा देगा जब तो पैसे लाएगा। कोई बच्चा जो पढ़ने वाले हैं सब गरीबी बच्चे हैं, अमीर होते तो IFTM TIME होने की यूनिवर्सिटी वहाँ पढ़ते। गरीब बच्चे हैं जब तो यहाँ आए, ये कह रहे हैं 500 रुपए घर वाले कैसे दे देंगे। 500 रुपए छात्राएं भी है, छात्र भी है, ये कह रहे हैं एक सर्टिफिकेट है। अरे आपको ठेका ले रहे हैं सर्टिफिकेट, बच्चा कहीं से बनवाए ना बनवाए, आपने क्यों ठेका ले लिया किसी चीज का? आप तो 500 रुपए की अवैध उगाही करेंगे। और जो स्कूल है रमाबाई डिग्री कॉलेज सरकारी कॉलेज है, एक मेरा और प्राइवेट स्कूल है, संबंध है मेरे उससे, अन्य कॉलेज भी है, वो 500 रुपए की सीधी मांग क्यों नहीं कर रहे आप? इतने हमें पता है, इतने देसी नहीं है आप। 20 रुपए आपके कॉलेज में 20 रुपए की अवैध उगाही होती है, आप ज्यादा देसी न बनिए। 20 रुपए की अवैध उगाही, 20-20 से 40 हजार होते हैं छात्रों के यहाँ। यहाँ पहले भी ऐसी मामला आ चुका था, पहले 20 रुपए का मामला आया था, विद्यार्थी पढ़ने 2 दिन धरना प्रदर्शन किया, प्राचार्य के रूम के आगे बैठे हम 2 दिन, 20 रुपए जब वापस करने पड़े। तो ये आपके प्राचार्य के नजरों में नहीं है मामला? आपको मना कर रहे हैं, मेरे संज्ञान में नहीं है। एक और मामला है, जो कॉलेज में प्रैक्टिकल की होते हैं, जो छात्र छात्राएं हैं, वो जो है छात्र छात्राओं को फाइल के नाम पर पैसे लेकर फाइल दे रहे हैं। जो सामान होता है बनाने के लिए ज्योग्राफी का, वो सामान नहीं देते, 100-200 रुपए 500 रुपए लेकर फाइल दे देते। जो लोग मतलब यहाँ अवैध उगाही कर रहे हैं मास्टर लोग, उनके लिए क्या कार्रवाई के लिए आपने वो है? हम ये कह रहे हैं ऐसे भ्रष्ट जो है, ऐसे गंदे लोग जो है, इनको तुरंत तत्काल प्रभाव से हटाया जाए, यहाँ से कार्रवाई की जाए, तत्काल कार्रवाई की जाए। जब तुम्हें तो विद्यार्थी परिषद आज छोटा धरना प्रदर्शन किया है, कल को रोड भी जाम करेगा, रोड से जाम नहीं करेगी, पुलिस का ताला लगाएगा।